गुजराती कविता 23 सही नथी। कवि जलन मात्री जेपीएस एजुकेशन तरफ थी आ वीडियो प्रस्तुत थयेल छे। सौ प्रथम आपने काव्यनी विस्तृत चर्चा करता पहला आपने जलन मात्री विषे प्राथमिक माहिती मेळवीशुं। कवि जलाउद्दीन सहाउद्दीन अलवी जलन मात्रीनो जन्म 1 सप्टेम्बर 1934 25 जानुआरी 2018 रोज मृत्यु पामेल छे। तेओ खेड़ा जिल्लाना मात्रा गामना गुजरात भारत में तेमनो जन्म छे। तेओ एक गजलकार छे अने तेमने 2007 में गुजरात सरकार द्वारा वली गुजराती गजल एवॉर्ड थी सम्मानित करवामां आव्या छे। कवि जलन मात्री एक गजलकार छे अने तेमनी गजल में दरेक शेर ने स्वतंत्र राखवामां आवेलुं छे। तो कविना जलन मात्री विषय प्राथमिक माहिती मेळव्या बाद चालो कविता विषय सारांश मेळवीए। कवितानो सारांश तो आपने कवि जलन मात्री विषे परिचय मेळव्या बाद हवे काव्यनी थोड़ीक शरूआत करीशुं। काव्य में कवि शू कहवा मांगे छे तेना विषे विस्तृत चर्चा करिए। मजहबनी धर्मनी इमारत एटली नथी बड़ी कारण के शैतान एटले के आपने शैतान ए स्वभावे कोई आदमी एटले के माणस नथी। धर्मना नामे आंग ने चापता हिचकारुओ कृत्य करनारा माणसो तो शैतान करता पण विशेष क्रूर अने घातकी छे। जीवन में पारावार मुसीबतो आवी पड़े छे एमांथी बहार निकलवु श्रद्धा होय तो तेमने पुरावो आपवो होतो नथी। ए तो वर्तनना आपो आप देखाय छे। जीवन में ज्यारे मो परनु स्मित विलाई जाए अर्थात सुख जतु रहे अने पुष्कळ आंसु रेलाय अर्थात दुखना पहाड़ तूटी पड़े त्यारे बंदगी एज एकमात्र मानवीनी साता आपे छे। एटले के बंदगी एटले के प्रार्थना ज एकमात्र ए मानवीना जीवन ने सांत्वना आपे छे। परंतु प्रार्थना करती वखते चित्त एकाग्र एटले के एकाग्रित न रहे तो एना माटे मन कारणभूत बने छे। कारण के मन ने एकाग्र राखवु ए खूब ज कठिन लागे छे। अहीं कवि कहे छे के बंदगीनो ध्रोह कर्यो कहेवाय एटले के प्रार्थनानो आपने उल्लंघन कर्यु होय तेवो कहेवाय छे। तेमां तो साचा अर्थमां ज बंदगी ज नथी एटले के प्रार्थना ज नथी। मृत्युनी ठेस जीवननी ठेसमां प्रमाणमां गौण बने छे। जीवनमां दुःख दर्द व्यथा અને વેદનારૂપી દેશ લાગતા માનવીના મનથી ભાંગી પડે છે ત્યારે શ્રદ્ધા જ માનવીને જીવવાની તાકાત આપે છે। એવા સમયમાં સ્થિર અને એકાગ્ર ચિત્તે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી જરૂરી બને છે। કવિ અહીં સહી નથી કાવ્યમાં જલન માત્રી આપણે કેટલું સરસ સમજાવે છે કે શ્રદ્ધા અને બંદગીથી આપણે માનવી માત્ર એકમાત્ર સાધન બને છે। कवि कहे छे के ईश्वरनी प्रार्थनामां एटली ताकत छे के आपने दुःख दर्द व्यथा के वेदनारूपी ठेस पण मागे तो पण आपने भांगी पड़ता नथी। अने जो आपनुं मन स्थिर अने एकाग्र रहे तो आपना ईश्वरनी प्रार्थना पण स्वीकारे छे। तो मित्रों आपने कवि विशे थोड़ीक माहिती हजू मेळवीए। कवि जलन मात्री आपने कहवा मांगे छे कि धर्मनी इमारत एटली नथी बढ़ती कारण के शैतान ए स्वभावे कोई माणस नथी। खुदाए मारी तकदीर लखी नथी एटले के खुदा एटले के ईश्वरे मारी तकदीर नथी लखी छे पण ए गमी नथी पण आपने तो ए गमती नथी। सारू थयुं के तकदीर कोई एटले के नसीब कोई माणसे आपनुं लख्युं नथी। मने मारा भाग्यथी असंतोष छे कवि जलन मात्री अहीं व्यक्त करे छे। त्यां स्वर्ग ना मळे तो अनेक मुश्किलीओ छे अर्थात अनेक मुश्किलीओनो सामनो तो करवो ज पड़े छे। एटले ज मैं मरवानी उतावळ करी नथी अर्थात मने मरवानी उतावळ नथी। कवि कहे छे के स्वर्ग ना मळे तो अनेक मुश्किलीओ तो भोगवी ज पड़े छे एटले के मारे मरवानी उतावळ तो छे ज नथी।
पर्वत केवा सुकन में नदीए विदाय आपी हसे के पोताना घेर थी निकलेली नदी हजी पाछी वळी नथी। पर्वते केवा शकुन थी अहीं पर्वत ने पिता तरीके अने नदी ने पुत्री तरीके दर्शावामां आव्यु छे। जे रीते पर्वतनी श्रृंखलामांथी नदी जेम वहे छे अने ते फरी पाछी फरती नथी ने ते दरियामां समाई जाय छे, ते ज रीते कवि अहीं कहे छे के पर्वत केवा शकुन सुकन कर्या हसे, एटले के केवा सत्कर्मो कर्या हसे के नदी तेने विदाय आपे छे परंतु ते पाछी घरे निकळती नथी। हृदयमां श्रद्धा अपना मन में श्रद्धा होनो पुरावो अपना माटे सी जरूर छे। कुरान में तो पैगंबर ने क्या सही नथी, एटले के कुरान एटले के कोईनो मुसलमानों ग्रंथ मुख्य ग्रंथ छे। पैगंबर एटले के तेमना जे ईश्वर छे तेमा कई सही थोड़ी छे। एमा एवं कहवा मांगे छे कवि के अहीं श्रद्धा ने ज वर्चस्व आपवामां आव्युं छे। हिचकारू कृत्य जोईने इंसानो बोलिया, लागे छे के आ रमत एटले के कृत्य कोई शैतानी नथी, शैतानथी पण वधु क्रूरता मानस वर्तन हवे तो करे छे। गळारूप स्मितने डुबाड़ी लई शकुं छुं केम के मारी पासे आंसूनी कोई कमी नथी, अर्थात जीवन में मारा स्मितनुं अस्तित्व नहीं रहे केम के जीवन में दर्द अने व्यथाने वेदना पुष्कळ भर्या छे। ऊठ बेसमां भूल पड़े तो ए मनने कारणे पड़े छे, एमां बंदगीनो द्रोह नथी, एटले के बंदगी एटले के प्रार्थनानो कोई द्रोह एटले के एनो कोई उल्लंघन नथी, ए बंदगी ज नथी एटले के ते प्रार्थना ज नथी। अर्थात प्रार्थना करवा बेसीए अने एमां एकाग्रता न रहे ए माटे कारण नथी अने एमां प्रार्थनानो द्रोह कर्यो कहेवाय छे। ए साचा अर्थमां बंदगी एटले के प्रार्थना ज नथी। मृत्युनी ठेस वांगे तो शुं थशे जलन, जीवननी ठेसथी तो हजु कळवळी नथी, ત્યાં મૃત્યુ આવશે તો તું શું કરશે? જીવનમાં કેટલીય ભૂલથાપ ખાધી છે એના આઘાતથી તો હજુ તારે બહાર નીકળ્યા નથી। કવિ જલન માત્રીએ અહીં કાવ્યની સમજૂતી સરસ રીતે વર્ણવવામાં આવી છે। આપ સૌને આ વિડીયો સરસ રીતે વર્ણવીને સમજ્યો હશે એવી આશા સાથે આપ સૌને મારા આભાર। વંદે માતરમ।